अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हो? उम्मीद करूंगा आप सब ठीक होंगे, खैर से। मैं शुक्र आप देखने के लिए पाकिस्तान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज मैं आपके लिए काइन मास्टर का एक टूल लेके आया हूं, जिससे आप अपने कपड़ों का कलर चेंज कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने ये नीला ब्लू कलर की टी शर्ट पहनी हुई है, और ये देखें इसका ये कलर चेंज हो चुका है। आप बिल्कुल इसी तरह अपने कपड़ों का कलर चेंज कर सकते हो बिल्कुल ईजिली। तो अभी आपको पूरा गाइड करने वाला हूँ, थोड़ी सी वीडियो लंबी तो हो जाएगी लेकिन आपको पसंद लाजमी आएगी। तो इसे एंड तक देखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि आपके दोस्त भी ऐसा काम कर सकें, और आप बना के अपने दोस्तों के साथ प्रैंक भी कर सकते हो, ताकि आप वीडियो बनाएं और अपने दोस्तों को कहें कि ये देखें मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिया वीडियो में। खुद कोई चीज़ कोई काम भी आपने नहीं करना, सिर्फ छोटा सा काम है, सिर्फ दो चार क्लिक करने हैं। फुल डिटेल के साथ आपको समझाऊंगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल न्यू हो तो चैनल को कर सब्सक्राइब, और साथ में बेल आइकन उसे भी क्लिक करके आप करें, ताकि हमारे वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप जैसे मुझसे हो सके। और अगर आपको ये वीडियो आज की पसंद आती है तो इसे लाइक भी कर देना। तो लाइक करना बिल्कुल फ्री है, इससे कुछ नहीं होता, सिर्फ हमें मोटिवेट मिलता है कि लोग हमें लाइक कर रहे हैं, तो हमें और आगे बढ़ना चाहिए और आगे दोस्तों को चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए। तो उम्मीद करूँगा आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। तो वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना लाजमी। तो जी वीडियो करते हैं स्टार्ट। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, आपसे कोई स्टेप मिस ना होगा, हो जाए अगर मिस हो गया तो इसमें मेरी गलती नहीं होगी, क्योंकि मैं आपको फुल डिटेल का सब समझाऊंगा। और कोई आपसे सेटअप रहना जाएगा, सेटअप कोई रह गया तो आप नहीं बना सकते और बाद में कहोगे ये वीडियो फजूल है। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, स्किप बिल्कुल मत करना। तो यही छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाना। ठीक है, ओके। ठीक है दोस्तों, मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुका हूँ, और अभी आपको मैं दिखाऊंगा अपनी एडिट की हुई वीडियो कि मैंने कैसे एडिट किया, और वो कितनी अच्छी लग रही है, कितनी खूबसूरत लग रही है। आप भी उससे मुझसे भी ज़्यादा आप अच्छी वीडियो एडिट कर सकते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से, आप कर सकते हैं। सिर्फ आपने थोड़ा सा काम करना है, थोड़ा बहुत क्लिक करना है, या थोड़ा बहुत समय लेना है वीडियो को। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, ताकि आपको सारी समझ लग जाए। अभी मैं आपको दिखाता हूँ वो वीडियो जो मैंने एडिट किया है अभी थोड़ी देर पहले। तो वीडियो देख लें, उसके बाद हम आगे का सेटअप करते हैं। अगर पसंद आती है तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए, अगर नहीं पसंद ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपने ये वीडियो देखी, आपको पसंद तो पता तो लग गया होगा और पसंद भी आई होगी। तो आप मुझसे भी अच्छी इसी तरह बिल्कुल अच्छे तरीके से आप वीडियो एडिट कर सकते हैं बिल्कुल आसान से अपने काम करने। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ काइन मास्टर में, जो कि बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। आपको इस काइन मास्टर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसे ईजिली डाउनलोड कर सकते हो। तो अभी हम देख लेते हैं कि हमने आगे का काम कैसे करना है। तो सबसे पहले जी, हमें जब ये इंस्टॉल करेंगे तो हमसे ये कुछ डिटेल मांगेगा, तो आपने सिंपली ओके पर क्लिक कर देना है। दो तीन बार ओके पर क्लिक करना है, आपके पास ये बिल्कुल इसी तरह ओपन होकर आ जाएगा। फिर आपने इधर प्लस वाले निशान पर क्लिक करना है, जो प्लस का आइकन बना हुआ है, तो प्लस पे हम क्लिक कर लेते हैं। प्लस पे क्लिक करने के बाद देखिए हमारे पास ये रेशो आ गया, तो रेशो आपने 16.9 करनी है, क्योंकि ये ज़्यादातर इस्तेमाल होती है पीसी और कंप्यूटर के लिए। तो आपने ये से टाइप करके कर देना है। उसके बाद यहाँ पे मीडिया पे आना है, आपने कोई से भी अपनी नीली शर्ट लाजमी से पहनने लिया, कोई भी नीली हो या ग्रीन हो या कोई सा भी कलर हो एक कलर, जैसे कि मेरी शर्ट का एक कलर था। तो आप कोई भी कपड़ा पहन सकते हैं किसी भी कलर का। तो आगे मैं आपको चल के बताता हूँ कि ये क्यों अहम है। तो सबसे पहले हमने अपनी शूट की हुई वीडियो को हमने यहाँ पर पेस्ट करना है। तो सबसे पहले आपने जी करना ये है, मैं आपको बता दूं कि मेरी ये शूट की हुई है वीडियो पड़ी है, तो मैं आपको बता दूं, ये देखे पहले मेरी वीडियो कैसी थी, अभी मैं आपको चला के दिखाता हूँ। ये देखे पहले मैंने ऐसे शूट किया, आपने बिल्कुल ऐसे शूट करनी है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपने देख लिया कि मैंने इस तरीके से शूट बिल्कुल इसी तरीके से शूट करनी है, और अपने काइन मास्टर में इसी तरीके से डाल देनी है। उसके बाद आपने सिंपली एक मरतबा इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद देखें हमें यहाँ पे ये तीन डॉट नज़र आ रहे हैं ये वाले। तो अगर आपको वीडियो आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैंने सारा को डिटेल के साथ समझाया। अगर आपको पसंद आपको कुछ समझ में ना आए तो आप इसे दोबारा देख कर चेक कर सकते हैं। तो ये हमने तीन लाइनों पर क्लिक करना है, और यहाँ पर ये देखें डुप्लीकेट लेयर का ऑप्शन है, तो हमने डुप्लीकेट लेयर पर क्लिक करना है। डुप्लीकेट लेयर पे क्लिक करने के बाद देखें हमारे पास नीचे एक और लेयर आ चुके थे, हमने सिंपली इस पर एक मरतबा क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे ये देखिए ये तीन लाइन और बनी हुई है, तो हमने इस डब्बे पे क्लिक करना है। डब्बे पे क्लिक करने के बाद इसे हमें स्क्वेयर कर देना है। तो ये देखिए ये स्क्वेयर वाले डब्बे पे मैं क्लिक करता हूँ, और ये देखिए हमारी ये पिक फोटो और वीडियो सारी कुछ इस पर आ गई। तो इस पर आने के बाद हमने सिंपली दोबारा नीचे वाली सेकेंड लेयर पर क्लिक करना है, और ये जो ऑप्शन है इसे हम नीचे लेके आना है। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए क्रोमा की ऑप्शन आ रहा है, तो क्रोमा की को हमने इनेबल कर देना है। ये देखिए ये डिजेबल है, तो हमने इसे इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद देखें मेरी कुछ तस्वीर यहाँ पे ख़राब हो चुकी है। यहाँ पे ये देखें ये की कलर लिखा हुआ है, ये वाला ऑप्शन,
ये की कलर, की कलर में आपने अगर नीले कलर के कपड़े पहने हो तो नीले आपने क्लिक कर देना है। अगर ये देखिए यहाँ पे टोटल कलर मौजूद हैं तो आपने जो भी कपड़े पहने हो आपने वही क्लिक कर देना। तो मैं यहाँ पे नीले पे क्लिक कर देता हूँ, ये देखिए ये नीला और भी है तो मैं यहाँ पे हल्के नीले पे क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद ओके पे क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए ये मैंने क्लिक किया और यहाँ पे ये देखें नीले का नीला बन के आ गया। और उसके बाद यहाँ पे शो मास्क का ऑप्शन है तो मैंने शो मास्क पे क्लिक करना है एक एक मरत पर। तो शो मास्क पे क्लिक करने के बाद ये देखें ये वाला सब कुछ ब्लैक है और ये वाला थोड़ा वाइट है। तो हमने ऐसा करना कुछ ऐसा है कि ये वाला हमने फुल ब्लैक कर देना और जो पीछे वाला हिस्सा ये फुल वाइट कर देना। तो ये देखिए यहाँ पे इनका ये ऑप्शन मौजूद है तो हमने सिंपली से थोड़ा सा आगे या पीछे करना तो ये अपना सा दिखाना शुरू कर देगा। तो ये देखिए ये मैंने कुछ क्लिक किया और ये आप देख सकते हो ये फुल ब्लैक हो चुका है। तो अभी हमने पिछला इसका जो हिस्सा ना इसे हमने फुल वाइट करना है। तो फुल वाइट करने के लिए देखिए ये मैं कर रहा हूँ आपके सामने, ये आप देख सकते हो ये देखिए ये अब फुल वाइट हो चुका है और ये हो गया जी हमारा। आप मैं तो जल्दी जल्दी थोड़ा कर रहा हूँ तो आप इसमें बिल्कुल ओके तरीके से कर रहे हो। तो ये आप देख सकते हो मेरा ये जो ब्लैक था वो ब्लैक हो चुका है और जो वाइट था वो फुल वाइट हो चुका है। तो आप देख सकते हो बिल्कुल आपने इसी तरीके से करना है। उसके बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक कर देने के बाद आपका आधे से ज़्यादा काम हो चुका है। तो इसके बाद हम अपने फर्स्ट लेयर पे क्लिक कर देना है। फर्स्ट लेयर पे क्लिक करने के बाद आपने सिंपली वीडियो को चलाना है। तो वीडियो को चलाने के बाद ये देखिए ये मैंने वीडियो को चलाई और ये यहाँ पर मैंने ये चुटकी बजाई और चुटकी बजाने के बाद मैं सिंपली इस पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद ये हमारे पास ये ऑप्शन है, मैं इसकी आवाज़ फुल कम कर देता हूँ ताकि कोई आपको शोर ना आए। तो इस पर क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पे ये जो कैंची बनी हुई है इसे क्रॉप करना है। कैंची पे क्लिक करना है, उसके बाद ये दरमियान वाला जो है ना हमने यहीं पे से काट देना है, दरमियान में काट देना है। तो करना सिर्फ दरमियान में, ये देखिए स्प्लिट एट प्ले हेड, तो हमने इसे सिर्फ तोड़ देना है। तो ये देखिए ये वाला हिस्सा अलहदा हो गया और ये वाला हिस्सा अलहदा हो गया। तो अभी मैं इसे फिर प्ले करता हूँ और ये देखिए यहाँ पे चुटकी बजाई। इसके बाद इसे भी हम ऐसे कर लेते हैं, तो ये देखिए ये भी अलहदा हो गया। उसके बाद मैं फिर ऐसे करता हूँ, ये हो गया जी। अब फिर हम इसे दरमियान से उखाड़ देते हैं, तो ये देखिए ये जी हो गया, तीन से बन गए। और अब दोबारा ऐसे करते हैं, ये देखिए ये भी बिल्कुल उसी तरीके से हम कर लेते हैं, तो ये भी उनसे अलहदा हो चुका है। तो इसके बाद ये सेव, उसके बाद ये फिर दोबारा, और ये देखिए ये जी हमने ताली बजाई और ये हो गया, तो ये भी अलहदा हो गया। इसके बाद हम ये फिर क्लैपिंग बजाई और उसके बाद ये हम कर लेते हैं दोबारा, ये हो गया जी। तो इसे स्प्लिट कर, तो मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, आपसे बिल्कुल अच्छे तरीके से हो जाएगा तो आप बिल्कुल उसी तरीके से कर सकते हो। तो ये देखिए ये मैंने ताली बजाई, तो मुझसे चाहे कोई शायद कोई गलती हो गई हो लेकिन आपको समझ लग गया होगा। और अगर आपको समझ ना लगे तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो ये देखिए जी ये मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ, ये देखिए हमारे पास कुछ हिस्से आ चुके हैं। तो इसमें हम पहले हिस्से के कलर कपड़े चेंज कर लेते हैं। तो हमने सिंपली इस पर क्लिक करना है डब्बे पे, तो डब्बे पे क्लिक करने के बाद ये देखिए हमें ये ऑप्शन नज़र आ रहा है कलर फिल्टर का, तो कलर फिल्टर पे क्लिक करना है। कलर फिल्टर पे ये देखिए हमारे पास काफ़ी सारे कलर आ चुके हैं, तो हमने सिंपली इस पर क्लिक करना है। तो ये देखिए इसके कपड़े का कलर चेंज हो चुका है। अब हम दूसरे पर आ जाते हैं, दूसरे पर आने के बाद हम सिंपली वहीं जाते हैं कलर फिल्टर पर। कलर फिल्टर के आने के बाद ये देखिए हमने तीसरे पर क्लिक किया और चौथा भी ये नीला की शेप में और पाँचवा ये देखिए इसका कलर चेंज है। तो अब हम आखिरी तीसरे में आ जाते, तीसरे में भी हमने बिल्कुल ऐसे करने कलर कुछ चूज़ करने, आप अपनी पसंद से चूज़ कर सकते हो। तो मैं तो अभी जल्द जल्द से कोई कर रहा हूँ ताकि आप दोस्तों को समझ लग जाए जल्दी जल्दी, आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो इसे भी हम ओके कर देते हैं, उसके बाद इसे भी हम ओके कर देते हैं और हम दूसरे को पकड़ते हैं कि इसका कलर कैसे चेंज होगा। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसका कलर चेंज कर दिया, ऑरेंज कर दिया। तो अब हम पाँचवें डब्बे पे आते हैं, तो पाँचवें डब्बे पे हमने जी दोबारा वही कलर फिल्टर और नीचे नीचे क्लिक कर देना है और देखते हैं इसमें कलर चेंज होता है या नहीं। तो ये देखिए यहाँ पर वाइट हो चुका है। उसके बाद हम सेकेंड लास्ट पर आ जाते हैं, सेकेंड लास्ट पर भी बिल्कुल वही तरीका करना है। तो ये आप देख सकते हो ये देखिए ये हो रहा है जी चेंज, और यहाँ पे वाइट हो जाए, वाइट तो मेरे ख्याल में पहले भी लगा चुका हूँ, तो कोई और सिलेक्ट कर लेते हो। तो आप अपनी पसंद से कोई बस कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये देखिए ये थोड़ा पिंक हो चुका है। अब हम इसका आखिरी का भी कर लेते हैं, आखिरी पता नहीं मेरे ख्याल में मैंने नहीं किया या किया है, तो आपको समझ तो लगी होगी लेकिन मैं फिर भी इसे कर देता हूँ क्योंकि मैं वो थोड़ा आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए थोड़ा थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ और मुझसे शायद कोई गलती हो गई हो शायद। तो ये देखिए ये जी हो गई हमारी वीडियो तैयार। तो अब हम इसे चला लेते हैं, तो ये देखें ये मैं इसे चला रहा हूँ, देखते हैं ये कैसे बनी है। यह देखते हो बिल्कुल अच्छे तरीके से बनी है, आप मुझसे भी अच्छी बना सकते हो। देखें कैसे लग रही है, बिल्कुल बेहतरीन लग रही है, खूबसूरत लग रही है। और उम्मीद करूँगा आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर यार सब्सक्राइब न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी मार देना, क्योंकि यार सब्सक्राइब करने से और लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाएगा लेकिन हमें बहुत कुछ मिल जाएगा, हमें मोटिवेट मिल जाएगा कि हमें कहाँ कहाँ से दोस्त देख रहे हैं, और बहुत ही हमें मतलब सपोर्ट मिलेगी और इसका कोई हिसाब किताब नहीं। आपने यार मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना।
ठीक है दोस्तों, वीडियो तो हमारी बन गई। अब हम इसे सेव कैसे करेंगे? तो सेव करने के लिए सिंपली यहाँ पे ये देखिए, ये तीन डॉट नज़र आ रहे हैं आपको, ये वाले, तो आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये देखिए, इसकी रेजोल्यूशन 720 में सेलेक्ट किया, आप 180 भी कर सकते हो, लेकिन 720 सही रहेगा और 25 पल, ये आपके आपके लिए बेस्ट रहेगा जो मैंने लगाई है। उसके बाद आपने सिंपली एक्सपर्ट पर क्लिक कर देना। एक्सपर्ट पर जैसे भी आप क्लिक करेंगे, आपकी वीडियो 2 से 3 मिनट में सेव हो जाएगी और आप अपने दोस्तों को चौंका सकते हो, दोस्तों के साथ इंजॉय कर सकते हो, फन कर सकते हो, सोशल मीडिया पर डाल सकते हो और बड़ा ही मतलब कि जादू जादू हो जाएगा यार दोस्तों, जादू हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल भी सब्सक्राइब करना, ओके करना है। ठीक है जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।